हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले सभी आरएमसी एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट कहूँगा, क्योंकि आरएमसी एग्ज़ाम उनका बहुत पास है और तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे आरएमसी के लिए। ओके, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। इसके अलावा आज आपके सामने मैं इसलिए हूँ क्योंकि आज आरएमसी के टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आरएमसी क्या है ये मैं बताऊँ पेरेंट्स को और बच्चों को, और आरएमसी क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके ऊपर मैं बात करूँ। मेरा नाम है सूरज आर्या और मैं हूँ एकेडमिक हेड ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि आरएमसी क्या है। आरएमसी एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो आरएमसी एक स्कूल है। ठीक है, हम लोग बच्चों की स्कूलिंग करवाते हैं तो आरएमसी एक स्कूल है। अब अगर एक स्कूल है तो ये और स्कूल से कैसे डिफरेंट है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आरएमसी का जो मेन पर्पस है वो क्या है वो आप समझ लीजिए कि आरएमसी चाहता है कि स्कूलिंग के बाद बच्चे मैक्सिमम एनडीए ज्वाइन करें एंड लेटर ऑन आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करें, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, इन तीनों अलग अलग आर्म्ड फोर्स में एज एन ऑफिसर बच्चे ज्वाइन करें। जैसे कि हमें पता ही है कि आर्म्ड फोर्सेज में वो ऑफिसर्स की बहुत कमी है, और हमारे देश के डिफेंस अगर हम सिस्टम की बात करें या डिफेंस की बात करें तो हमारे देश के लिए डिफेंस कितना इम्पॉर्टेंट है के बारे में आई थिंक सभी आप लोग अवेयर होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारी हॉस्टाइल कंट्री से सराउंडेड। तो उन ऑफिसर्स की कमी को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आरएमसी का, क्योंकि आरएमसी बचपन से ही बच्चों के अंदर उन क्वालिटीज़ को इम्बाइब करता है जो एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि एक ऑफिसर इतने लोगों को कमांड करता है, और ऐसे सिचुएशंस भी आती हैं जहाँ पर इट कैन बी अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो बच्चों के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, इंटीग्रिटी बच्चों के अंदर, लॉयल्टी बच्चों के अंदर होनी चाहिए, तो वो सारी क्वालिटीज़ इम्बाइब करता है आरएमसी। इसके अलावा एकेडमिक्स में तो अच्छा करता ही करता है, एक ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों को करने के लिए या ओवरऑल ग्रोथ बच्चों के लिए बहुत सारे और एडिशनल काम बच्चों के ऊपर किए जाते हैं। बहुत अच्छा एक्सपोजर बच्चों को दिया जाता है, यहाँ तक कि बच्चों को सियाचिन के बेस कैम्प तक, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उनको बेसिक कोर्स भी करवाता है। माउंटेनियरिंग भी बहुत बच्चों को करवाई जाती है ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, ऐसे किसी और स्कूल में पॉसिबल है ही नहीं। कुछ स्कूल्स होते हैं जो एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं, कुछ स्कूल्स होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। आरएमसी इकलौता ऐसा स्कूल है जो इतना परफेक्ट बैलेंस बनाकर चलता है, और उसके वजह से ही हम देख पाते हैं कि बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, आरएमसी उसका भी बहुत ध्यान रखता है। आप आरएमसी के जब कैडेट्स को आप देखोगे तो आप डेफिनेटली खुश होंगे उनको देखकर, क्या फिटनेस उन बच्चों की जब वो ज्वाइन करते हैं, और कुछ समय आरएमसी में बिताने के बाद जब वो छुट्टी आते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें कितने बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो आरएमसी एक स्कूल ही है जिसका पर्पस है बच्चों को लेटर ऑन आर्म्ड फोर्सेज में भेजना। इसी पर्पस के साथ आरएमसी बच्चों को स्कूलिंग देता है, तो स्कूलिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं एजुकेशन एंड ऑल वो तो देता ही है, लेकिन एक ओवरऑल डेवलपमेंट, क्योंकि अगर आगे ऑफिसर बनना है तो कुछ क्वालिटीज़ इम्बाइब करनी होती है, तो उसके लिए कुछ नियम कानून हैं आरएमसी के, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं के थ्रू जब बच्चे जाते हैं तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली बहुत सारी क्वालिटीज़ इम्बाइब हो जाती हैं, जैसे जूनियर सीनियर का कल्चर, जैसे कि डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ये सारे ही वो क्वालिटीज़ हैं जो एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात मैं करूँगा कि आरएमसी क्यों इम्पॉर्टेंट है। आरएमसी क्या है ये तो आपने देख लिया कि इट्स अ स्कूल ओनली, एक स्कूल ही है जो एक तरीके का एज अ फीडर इंस्टीट्यूट एक्ट कर, तो बाद में आर्म्ड फोर्सेज में भेजेगा वाया एनडीए। दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे कि आरएमसी क्यों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आरएमसी इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, एक ही स्कूल है ऑल ओवर इंडिया में विच इज़ इन देहरादून। और आरएमसी में एडमिशन मिलना आसान नहीं है और स्कूल्स की तरह। आरएमसी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो यू हैव टू क्वालिफाई वन रिटन एग्जाम फॉलोड बाई एन इंटरव्यू एंड मेडिकल। इन सब प्रक्रिया होने के बाद ही एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और तब बच्चों का सिलेक्शन होता है। और मैं आपको बता दूं कि हर स्टेट से एक सीट है, ठीक है, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ। ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ से दो या तीन सीट्स हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज हर एक स्टेट से एक एक सीटें हैं। टोटल 36 सीट्स, 5 फॉर गर्ल्स, टोटल 45। तीसरी बात पर मैं आता हूँ कि आरएमसी क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जो लोग डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं या जो लोग आर्म्ड फोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर, वेदर इट बी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके लिए तो आरएमसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उनका अगर एक बार वो आरएमसी में चले गए या आरएमसी में उनकी एंट्री हो गई तो आगे ऑफिसर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि एनडीए एग्ज़ाम में सिलेक्शन रेट आरएमसी का बहुत बेहतरीन है, मोर देन 88%। दूसरी बात,
ये सिर्फ रिटन एग्जाम करके आप एनडीए ज्वाइन नहीं कर सकते या आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर नहीं बन सकते. यू हैव टू गो थ्रू अ वेरी एग्जॉस्टिव इंटरव्यू विच इज़ कॉल्ड एन SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं. इट्स अ 5 डेज टेस्टिंग. तो वहाँ पर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ देखी जाती हैं कि आपका वो कैरेक्टर देखा जाता है कि आपके अंदर वो बात है फौज में ज्वाइन करने की, वो बात है या नहीं. तो वो जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है वो RMC ऑलरेडी बच्चों को करवाता है. तो RMC का सिलेक्शन रेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और स्कूल्स का रिजेक्शन रेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है. मतलब और बच्चे बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं SSB में. अगर आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो RMC के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपका जो सपना है ऑफिसर बनने का वो कहीं ना कहीं मोर देन 90% मैं कहूँगा कि वो कन्फर्म हो जाता है. अब जो नॉन डिफेंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, मतलब नॉन डिफेंस बैकग्राउंड का मतलब है कि जो नॉन डिफेंस ओरिएंटेड है, नॉन डिफेंस बैकग्राउंड नहीं बोलना चाहिए, नॉन डिफेंस ओरिएंटेड का मतलब है जो आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करना नहीं चाहते, उनके लिए क्यों RMC इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता दूँ. देखिए सबसे पहले 8th to 12th तक बच्चों को RMC में पढ़ाया जाता है और ये जो पीरियड है बहुत क्रूशियल है हर एक बच्चे के लिए. 8th से 12th में ही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बच्चे के लाइफ में आते हैं और सबसे ज़्यादा आउट ऑफ फोकस बच्चा इसी पीरियड में होता है. मोबाइल फ़ोन्स बच्चों के पास होते हैं, पेरेंट्स के पास वक्त नहीं होता क्योंकि वो अपने अपने कामों में लगे रहते हैं. तो बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ही रेयर है कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को मॉनिटर कर पाते हैं 8th से 12th पीरियड के बीच में. ओके, आई होप कि पेरेंट्स मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, इस बात को समझ पा रहे होंगे. तो अगर नॉन डिफेंस ओरिएंटेड के एस्पिरेंट्स भी अगर RMC में 8th to 12th की स्कूलिंग करते हैं तो उनके लाइफ में जो चेंजेस आएंगे, जो जो क्वालिटीज़ उनके अंदर इम्बाइब होंगी वो इतनी इम्पॉर्टेंट रहेंगी आगे उनके लिए कि वो किसी भी फील्ड में कभी भी आप ये कहेंगे कि हार नहीं सकते. ओके, डेफिनेटली दे विल शाइन ऑन समडे इन द फ्यूचर, लेकिन कभी भी लाइफ में हारेंगे नहीं अपनी, क्योंकि ऐसी क्वालिटीज़ उनके अंदर इम्बाइब हो जाएगी जो कि वो हर फील्ड में मदद करेगी. डिसिप्लिन इतना इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, चाहे आपको IPS ऑफिसर या सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, हर जगह डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड. पंचुअलिटी चाहिए, इंटीग्रिटी चाहिए, इंटरव्यूज़ होते हैं, एथिक्स बच्चों के देखे जाते हैं. ओके, तो ये सारी क्वालिटीज़ RMC इम्बाइब कर रहा है बच्चों के अंदर. तो स्कूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो नॉन डिफेंस ओरिएंटेड बच्चे हैं उनके लिए भी RMC बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो आज हमने इन दो पैरामीटर्स के ऊपर बात करी, RMC क्या है और वाई RMC इज़ इम्पॉर्टेंट. आई होप पेरेंट्स को खासकर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और भी लाता रहूँगा. आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद.